हाँ दोस्तों, हर हर गंगे नमामि गंगे। आप अगर हरिद्वार आ रहे हैं या फिर दिल्ली से होके आएंगे हरिद्वार या फिर दिल्ली से कहीं और जाएंगे तो आप हो जाइए सावधान। 9, 10, 11 तारीख को 200 से ज़्यादा ट्रेन रद्द है और आप लाइव दृश्य देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको पूरे हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और साथ में नीलकंठ मार्ग की पूरी जानकारी मिलने वाली। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम कंखल में हैं, ये आप दृश्य देख रहे हैं, ये है हर की पैड़ी। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप हरिद्वार की प्लानिंग कर रहे हैं बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट या फिर आप अपने पर्सनल व्हीकल से, तो आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। ऐसे हरिद्वार ऋषिकेश के लिए किसी बारे कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पहले ये क्लियर कर दें। बाकी आप अगर दिल्ली से आपकी ट्रेन बन रही है या फिर दिल्ली में आके आपकी ट्रेन रुक रही है, तब आपको सावधान होने की जरूरत है 9, 10 और 11 तारीख को, क्योंकि G20 की जो तैयारी है भाई, अभी से ही रास्ते ब्लॉक होने शुरू हो चुके हैं, डाइवर्ट होने शुरू हो चुके हैं। तो जो सम्मेलन है G20 की वो है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी की सामना करनी पड़ सकती है। काफ़ी सारे मार्ग बंद मिलेंगे, काफ़ी सारे मार्ग डाइवर्ट मिलेंगे जो कि हरिद्वार की ओर आ रहे हैं और दिल्ली की लोकल। तो चलते, अगर आपको इस वीडियो में दिया गया लिस्ट ट्रेनों की समझ ना आए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे ताकि आपको अच्छे से देखने में आसानी हो। हमारी व्हाट्सअप का नंबर आपको इसी वीडियो में ही मिल जाएगा, आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो में कौन कौन सा ट्रेन रद्द होने वाला है इसकी भी पूरी लिस्ट दे देंगे ताकि आपको आसानी हो कि आप यात्रा करें या ना करें। तो भी आप कंफ्यूज हैं तो आप अपनी ट्रेन या के नंबर या PNR नंबर को आप वेबसाइट में डाल के चेक कर सकते हैं ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके, आपकी ट्रेन रद्द हो रही है नहीं हो रही है, क्या आपकी भी ट्रेन 200 ट्रेनों में से एक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप देख रहे हैं हरिद्वार की जो दृश्य है, काफ़ी तेज़ धूप है और तेज़ धूप की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग छाता लिए हुए हैं धूप से बचने के लिए और काफ़ी सारे लोग डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रहा है, इसकी वजह यही हो सकती है कि G20 की वजह से काफ़ी सारे परेशानी हो रही है और साथ में अभी मौसम का भी काफ़ी रुख चेंज दिखा जा सकता है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं सारे घाट खाली खाली से देखने को मिल रहे हैं और भी आपको जो दृश्य है देखने के बाद आपको कंफर्म हो जाएंगे कि अभी हरिद्वार में किस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। ये आप हरिद्वार का जो दृश्य है लाइव देख रहे हैं और हमारे चैनल में लाइव दर्शन ही होते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको हमारे वीडियो के माध्यम से आपको हर की पैड़ी और भी जगहों की आपको आसानी से लाइव दर्शन होते रहेंगे। मनसा देवी की रोपे की मार्ग खुला हुआ है, चन्नी देवी की रोपे की मार्ग खुला हुआ है, तो किसी बारे कोई दिक्कत नहीं है। कम्बो टिकट लेके आप ट्रांसपोर्ट से बच सकते हैं, यहाँ की लोकल जो ट्रांसपोर्ट है उससे, और अगर आप कम्बो टिकट लेंगे तो ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन आता है उसमें, आप वो ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन ले लीजिएगा तो आपको काफ़ी अच्छा सुविधा होगा, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये आप देख रहे हैं मनसा देवी के टेम्पल के पावन दर्शन आप कर रहे हैं। जल की धारा काफ़ी तेज हो चुकी है, सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप लग रही है कि घाट पूरी तरह से खाली है। शाम के टाइम आरती का जो दृश्य है वो भी हमने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया कि शाम के टाइम श्रद्धालुओं की संख्या कितनी ज़्यादा होती है। आप अगर हरिद्वार की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको हरिद्वार आने के बाद लगभग 8 बजे से पहले ही आप गंगा स्नान कर लीजिएगा, आपके साथ बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं देख रहे हैं, लगभग जो यहाँ के लोकल हैं जैसे पंडित जी हो या फिर यहाँ के फोटोग्राफर हो जिन्हें यहाँ पर रहना है, वो छाता लेके खड़े हुए हैं देख रहे हैं। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे लोग छाता लेके खड़े हुए दिखाई दे रहे हो क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप है, गंगा जी की धारा आप देख रहे हैं कितनी तेज़ है और पिछले दिनों की तुलना में सबसे ज़्यादा तेज़ अभी गंगा जी लग रही है। जो बाढ़ आया था, बाढ़ के दौरान तो पूरी जल ही कम हो गई थी, बाढ़ के दौरान भी इतना जल नहीं था जितना जल अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाढ़ जब आता है तो आगे से जल को रोक दिया जाता है बहराइश से, तो किसी पर कोई दिक्कत नहीं होती और आज भी कोई दिक्कत नहीं है, जल पूरी तरह से कंट्रोल में है, स्नान आप कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है।
अभी हम खड़े हुए हैं शिवघाट में। यहाँ पे गंगा जी की धारा आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा तेज आपको महसूस होगी, क्योंकि जो धारा आप देख रहे हैं ये बहराइच से होकर आ रही है और कुछ जो जल है वो नील धारा की ओर डाइवर्ट कर दिया जाता है। अगर सारे धारा को इधर आ जाए तो हर की पैड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत में हो सकता है, डूब सकती है, इतनी जल आती है उत्तर पहाड़ों से। गंगा जी यानी जहाँ से गंगा जी की उद्गम होती है गंगोत्री, लगातार वहाँ से जल आ रही है और आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है गंगा जी में कोई गंदगी ना फैलाए, किसी भी प्यारे गंदगी ना फैलाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालुओं को देखा जाता है कि पॉलीथीन छोड़ देते हैं, कपड़े छोड़ देते हैं गीले कपड़े, तो ये सारे गंदगी यहाँ पे ना फैलाएं और गंगा जी में स्नान करें सावधानीपूर्वक बिना किसी परेशानी के, ताकि आपको किसी बारे कोई दिक्कत ना हो। तो ये आप लिस्ट देखिए ट्रेन का जो कैंसिल हुआ है, तो आपको आसानी से जानकारी मिल जाएगा। और अपनी ट्रेन की नंबर PNR नंबर को रेलवे की वेबसाइट में चेक जरूर करें कि वो क्या आपकी भी ट्रेन है 200 ट्रेनों में से, तो ये आपको कंफर्म मिल जाएगी। इन 200 ट्रेनों में से कुछ लोकल ट्रेन है, कुछ पैसेंजर है, सारे ट्रेनों को ऐड करके किया गया है। बाकी आप अपने ट्रेन नंबर को देख सकते हैं कि आपकी ट्रेन रद्द है कि नहीं है। जब आप ऋषिकेश बाईपास से आएंगे तो आपको लगभग हर की पैड़ी पहुंचने के लिए 300 से 400 मीटर पैदल चलना पड़ेगा, और आप अगर आएंगे अपर रोड मार्केट से अगर भीड़ नहीं है तो मात्र आपको 100 मीटर चलना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है। गंगा घाट पे ही आपको बैटरी रिक्शे वाले ड्रॉप करेंगे, पैसे आपको दोनों ही तरफ का सेम लेने वाला है, तो पैसे के लिए कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। किराए जो पे करना पड़ेगा वो सेम है दोनों जगह का, लेकिन चलना जरूर ज़्यादा पड़ेगा। जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो आपको हर की पैड़ी आने के लिए अपर रोड से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और आप ऋषिकेश बाईपास से आएंगे तो आपको 500 मीटर चलना पड़ेगा। तो लगभग ऋषिकेश बाईपास जब भीड़ ज़्यादा होता है तब के लिए अच्छा है, नहीं तो आप सीधे अपर रोड मार्केट से ही आए। जल की धारा लगातार अभी तेज देखने को मिल रही है, जल में काफ़ी सारे मात्रा देखने को मिल रहे हैं रेत मिट्टी बालू के, तो अभी जो पूरी तरह से साफ होने के लिए गंगा जी को काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे ही साफ होगा तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जरूर देखेंगे, देख रहे हैं कितनी जल की धारा तेज लग रही है। यहाँ पे दोनों ही धारा काफ़ी तेज है, जो हरकी पैड़ी की ओर से आ रही है और जो बहराइच से आ रही है। ये आप देख रहे हैं ऋषिकेश का दृश्य, ऋषिकेश में श्रद्धालुओं की संख्या आप नॉर्मल है, जैसे हरिद्वार में है वैसे ऋषिकेश में भी देखने को मिल रहा है। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, जैसे कि आपने देखा काफ़ी तेज धूप है, तो सेम मौसम है दोनों जगह, तो किसी बारे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप सारे जगह के यात्रा कर सकते हैं, चार धाम यात्रा भी कर सकते हैं, किसी बारे कोई दिक्कत नहीं है अभी, लेकिन मौसम का जरूर ध्यान रखिए। अगर मौसम बिगड़ जाए तो आपको रोकना पड़ सकता है चार धाम यात्रा, क्योंकि अभी जो दृश्य देखने को मिला लैंडस्लाइड का वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिला है। जगह जगह हर 500 मीटर में कुछ ना कुछ लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा था। अभी आप शानदार दृश्य देख रहे हैं रोपवे का, जो कि हरिद्वार चंडी देवी का है। जैसे कि रोपवे का लगभग 450 रुपये पे करना पड़ेगा आपको, और अगर चंडी देवी का 220 रुपये और मनसा देवी का 129 रुपये दोनों तरफ का आने जाने का किराया है, तो इस ओर से अगर देखें तो आपको 430 से 450 रुपये का जो टिकट है वो ट्रांसपोर्ट की जो चार्ज है उसको लेके कहा जा रहा है। मनसा देवी में, चंडी देवी में, और ये आप लोकल मार्केट का दृश्य देख रहे हैं ई रिक्शे वाले आपको घाट तक का सेवा दे रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, हर गंगे।